हेलो एस्पायरेंट्स, मोस्ट वेलकम टू करनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल एशिया और रशिया की मैपिंग वाला पार्ट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा लिंकेज आप सेंट्रल एशिया और रशिया से दे सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ एंड दियर कैपिटल्स। सबसे पहले आपको याद करना है सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है और उनकी कैपिटल सिटीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आप देखो, आपको मैच करना है, कजाकिस्तान के सामने लिखा हुआ है ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान के सामने लिखा हुआ है दुशानबे, किर्गिस्तान के सामने लिखा हुआ है बिश्केक, ताजिकिस्तान के सामने लिखा हुआ है नूर सुल्तान और उज्बेकिस्तान के सामने लिखा हुआ है अजगाबाद। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, सेंट्रल एशिया के अंदर कजाकिस्तान, देन आपका किर्गिस्तान, देन आपका ताजिकिस्तान, देन आपका तुर्कमेनिस्तान एंड देन आपका उज्बेकिस्तान। तो आपको जो ऑर्डर याद करना है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम बात कर रहे हैं तो हमने पूरा का पूरा क्लॉकवाइज ऑर्डर याद करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल्स की ट्रिक भी यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी कजाकिस्तान की जो कैपिटल है, पहले आपने सुना होगा उसका नाम क्या था, अस्ताना। अब वो नाम चेंज हो गया है, उसकी जगह नया नाम रखा गया है नूर सुल्तान। जो वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट थे उनके नाम से नाम रखा गया है नूर सुल्तान। ठीक है, सब लोगों को ध्यान रहेगा, सब लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर करेंगे तो हम आपके लिए और भी ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडियाज ओनली ओवरसीज मतलब विदेशी एयरबेस जो भारत से बाहर है, तो इंडियाज ओनली ओवरसीज एयरबेस जिसका नाम है फरकोर एयरबेस इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जो फरकोर एयरबेस है, जो भारत का एकमात्र विदेशी एयरबेस है, ये किस कंट्री में स्थित है। ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इसकी लोकेशन भी आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ फरकोर एयरबेस और इसकी आपको ऊपर इमेज भी यहाँ पर दिखाई देगी। आपको बताना है ये किस कंट्री के अंदर है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एशिया की वाटर बॉडीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेज और हैव श्रंक इमेंसली या ड्राइड अप इन रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। हिंदी में बोला गया है, अभी हाल ही में निम्न में से कौन सा समुद्र मानव क्रियाकलापों के कारण अत्यधिक संकुचित या सूख गया है। इमेंसली ड्राइड अप इन रिसेंट पास्ट, ठीक है, श्रंक का मतलब संकुचित होना और ड्राइड अप का मतलब सूख जाना। तो आपको बताना है, फर्स्ट ऑप्शन इज एरल सी, सेकेंड ऑप्शन इज ब्लैक सी एंड थर्ड ऑप्शन इज लेक बेकाल। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने अवेलेबल है, वाटर बॉडीज भी आप देख सकते हो, दिस वन इज एरल सी। ठीक है, अब रशिया वाले पार्ट के अंदर देखोगे लेक बेकाल आपको देखने को मिलेगा और बेसिकली ब्लैक सी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो, दिस वन इज ब्लैक सी वाला पार्ट, ये ब्लैक सी वाला पार्ट है आप लोगों के लिए। तो आपको आंसर यहाँ पर करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, आरपीएससी में भी पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर फोर भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी बताई थी याद रखने के लिए। तो आप देखोगे, एक साइड में आपको सीज दिए हुए हैं, दूसरी साइड में आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज दी हुई है, आपको मैच करना है कि निम्न में से कौन सा जो पेयर है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। एड्रियाटिक सी के सामने लिखा हुआ है अल्बानिया, ठीक है, ब्लैक सी के सामने लिखा हुआ है क्रोएशिया, कैस्पियन सी के सामने लिखा हुआ है कजाकिस्तान, मेडिटेरेनियन सी के सामने लिखा हुआ है मोरक्को और रेड सी के सामने लिखा हुआ है सीरिया। आपको बताना है क्या ये जो मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है इसमें से कौन कौन सा आपका सही है। क्या अल्बानिया एड्रियाटिक सी से बॉर्डर बनाता है, क्या क्रोएशिया ब्लैक सी से बॉर्डर बनाता है, तो आपको बताना है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर हेल्प के लिए देख सकते हो आप, दिस वन इज़ मेडिटेरेनियन सी, दिस वन इज़ रेड सी, दिस वन इज़ कैस्पियन सी। ठीक है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। और जो मैंने ट्रिक्स बताई थी आपको, कैस्पियन सी को याद रखने की ट्रिक थी एयर टिकट, ठीक है, ब्लैक सी को याद रखने की ट्रिक थी रबतुसी ग्रेट, अभी मैं वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, आप सब लोगों को आंसर करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर्स ब्लैक सी। निम्न में से कौन सी कंट्रीज ब्लैक सी के साथ सीमा बनाती है,
फर्स्ट रशिया, सेकंड यूक्रेन, थर्ड कजाकिस्तान एंड फोर्थ किर्गिस्तान। ठीक है, ऑप्शंस आपको अवेलेबल है और आप देख सकते हो दिस वन इज़ ब्लैक सी। आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो आपको बताना है कौन कौन सी यहाँ पर बॉर्डर बनाती है। इन पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स प्रोवाइड करवा देंगे, बट उससे पहले आप सब लोगों को यहाँ पर आंसर करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल एशिया के बारे में। ठीक है, सेंट्रल एशिया के बारे में थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे, पहले मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया के अंदर पांच कंट्रीज आती है। आपको याद रखना है इसको किस ऑर्डर में। देखो, याद रखने का भी सिंपल तरीका है। कैसे याद रखोगे आप इसको? क्लॉकवाइज ऑर्डर में याद रखोगे। तो पहले आएंगे आपके दो के। ठीक है, के सिंगर सब लोगों ने नाम सुना होगा, तो पहले आप याद रखोगे के से। ठीक है, कैसे हो गया आपका कजाकिस्तान और दूसरे कैसे हो गया आपका किर्गिस्तान। अब के का काम खत्म हो गया, अब याद रखोगे आप टीटी से। कैसे याद रखोगे? टीटी आपका आ जाएगा थर्ड पे तजाकिस्तान एंड फोर्थ पे आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, लास्ट कौन सा बचेगा आपका? उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखोगे देखना, कितने बेनिफिट होंगे। जब आप इसको ऑर्डर से याद रखोगे तो आपको कितने सारे बेनिफिट्स होंगे, कितने ईजिली आप कैस्पियन सी की, अरल सी की और अदर बॉर्डर्स भी आप याद रख पाएंगे। तो कैसे याद किया? के सिंगर का नाम है, फर्स्ट कजाकिस्तान आएगा, सेकेंड किर्गिस्तान आएगा, फिर टी से पहले आपका ताजिकिस्तान आएगा, फिर तुर्कमेनिस्तान आएगा। अब आप बोलोगे सर टीटी में कन्फ्यूजन हो सकता है कि पहले तजाकिस्तान को दे या तुर्कमेनिस्तान को दे। अब आपको दिमाग लगाना है तुर्की किस साइड में पड़ेगा, तुर्की इधर पड़ेगा या तुर्की इधर पड़ेगा। तो तुर्की अगर इस साइड में पड़ेगा तो तुर्कमेनिस्तान किस साइड में आपको देखने को मिलेगा? इसी साइड में आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपका ताजिकिस्तान, ऊपर आ जाएगा आपका लास्ट में उज्बेकिस्तान। पाँचों कंट्रीज आपको यहाँ पर याद करनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इनकी कैपिटल्स भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कैपिटल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने के लिए और नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए। तो आप देखोगे यहां पर आपको कैपिटल्स काफी इजीली विजिबल होगी। कजाकिस्तान की अभी जो नई कैपिटल है, पहले इसकी कैपिटल थी अस्ताना, 2019 के अंदर इसकी कैपिटल सिटी को चेंज किया गया। ये कैपिटल सिटी आप देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल सिटी है, जिसका नाम है आपका नूर सुल्तान इसका नाम रखा गया है। पहले इसको अस्ताना नाम से जाना जाता था। तो पहली कैपिटल होगी आपकी नूर सुल्तान। ठीक है, आप कैसे याद रख रहे हो कजाकिस्तान, तो आपकी पहली कंट्री आपने कजाकिस्तान याद रखी, तो आप देखोगे कजाकिस्तान का एरिया सबसे बड़ा है। सेंट्रल एशिया के अंदर जो पांच कंट्रीज आती है उसमें एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? कजाकिस्तान। अगर कोई कंट्री एरिया वाइज सबसे बड़ी है तो यहाँ की सब वाटर बॉडीज़ को वो क्या करेगी? बॉर्डर करेगी। तो आप देखोगे कजाकिस्तान की बॉर्डर अरल सी से भी लगती है और कजाकिस्तान की बॉर्डर आपको कैस्पियन सी से भी आपको देखने को मिलेगी। तो इससे आपको दो चीज़ें क्लियर हुई, कजाकिस्तान एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है तो सब वाटर बॉडीज़ को क्या करेगी? वो यहाँ से बॉर्डर करेगी। ठीक है, उसकी कैपिटल क्या हो गई आपकी? नूर सुल्तान। सेकंड चीज़, अब आप आओगे दूसरे के पर जिसका नाम है किर्गिस्तान। के में कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, तो सबसे बड़ा है कजाकिस्तान, सेकंड पे आ गया आपका किर्गिस्तान। इसकी कैपिटल है आपकी बिस्केक। कैपिटल क्या है इसकी? बिस्केक। ठीक है, कैसे याद रखोगे? जैसे, ठीक है, पहले याद रखना क्या था, पहले इसकी कैपिटल थी अस्ताना। ठीक है, तो हम पहले कैसे याद रखते थे? ए और बी से। सबसे पहले आपका क्या आता है? ए आता है अल्फ़ाबेट में, फिर आपका क्या आएगा? बी आएगा। अब अस्ताना की जगह तो क्या आ गया? नूर सुल्तान। याद रखना सिंपल है, वहाँ के सुल्तान के नाम से इसका नाम रख दिया गया। अब दूसरा क्या आएगा? अल्फ़ाबेट बी आएगा, तो इसका कैपिटल हो जाएगा बिस्केक। ठीक है, अब ए और बी आ गया। ठीक है, उसके बाद कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, अब आएगा आपका तजाकिस्तान। तो सी को आपको छोड़ना है, क्योंकि सी क्यों छोड़ना है? क्योंकि यहाँ बीच में आपको देखोगे चाइना का पार्ट मिलेगा। तो ए बी सी और डी पे क्या आ जाएगा आपका? दुशानबे। ठीक है, डी पे क्या आ जाएगा आपका? दुशानबे। ठीक है, कितना सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को याद रखने का। ए से स्टार्ट किया था अस्ताना, अस्ताना का नाम चेंज होकर नूर सुल्तान हो चुका। बी से क्या हो गया? बिस्केक। सी यहाँ पर चाइना आ गया, तो सी पूरा हो गया। डी से इसकी कैपिटल का नाम आ जाएगा दुशानबे, किसका? ताजिकिस्तान का। अब वापस ए से हमें स्टार्ट करना है, अब वापस किससे स्टार्ट करना है? ए से। तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? ए से अशगाबाद। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी? ए से अशगाबाद। और लास्ट में जो आपकी कैपिटल है उज्बेकिस्तान, उसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। हमारे आपको पता होगा जो ताशकंद है, ताशकंद समझौता काफ़ी फेमस है, जो हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला वॉर हुआ था उसके बाद आपने नाम सुना होगा ताशकंद समझौता। ठीक है, काफ़ी फेमस समझौता रहा है, जहाँ पर हमारे शास्त्री जी की डेथ भी हुई थी समझौते के बाद, काफ़ी न्यूज़ में रहे थे वो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसको यहाँ पर ध्यान रखना है ताशकंद समझौते से। ठीक है, पाँचों कंट्रीज़ की कैपिटल याद रहेगी। अब देखो एक और चीज़ आपको देखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर के अंदर, तो आप देखोगे सबसे वेस्ट के अंदर, ठीक है, सबसे वेस्ट के अंदर
कौन सी कैपिटल देखने को मिलेगी? असगाबाद। और असगाबाद एग्रीमेंट भी है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2018 में क्वेश्चन आया था इस पर, असगाबाद समझौते से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो असगाबाद सबसे वेस्टर्न मोस्ट इसकी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कौन सा आ जाएगा आपका, उसके बाद जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट वाला पार्ट हो जाएगा, बेसिकली वो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा आपको इन चार कैपिटल्स में। तो आप देखोगे बिश्केक वाला पार्ट सबसे ईस्टर्न मोस्ट वाला पार्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नूर सुल्तान से भी सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा आएगा आपका, बिश्केक वाला पार्ट हो जाएगा। तो अगर आप पूरी याद नहीं रख पाते हो तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पश्चिम में कौन सा है और सबसे पूर्व में कौन सा है। और अगर आप उत्तर से दक्षिण देखोगे तो अब तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, कजाकिस्तान सबसे बड़ी कंट्री है तो सबसे ऊपर कौन आएगा आपका, नूर सुल्तान, और सुल्तान हमेशा सबसे ऊपर होता है, तो सबसे नॉर्थ में तो कौन होगा आपका, कजाकिस्तान, ये नूर सुल्तान वाला पार्ट, ठीक है। और सबसे साउथ में कौन होगा आपका, असगाबाद, तो सबसे साउथ में भी असगाबाद है और सबसे वेस्ट में भी असगाबाद है। ये तरीके हैं मैप को समझने के, मैप से ज़्यादा निकालने के, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई यहाँ से, उसके बाद ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम कजाकिस्तान के या सेंट्रल एशिया के बारे में कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो वाटर बॉडीज़ की, एक हम बात करेंगे RLC की और दूसरी बात करेंगे कैस्पियन सी की, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पूरी की पूरी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ है ये क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ की डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी थी, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती है जिनका सी के साथ ओपन एक्सेस नहीं होता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर तो कैस्पियन सी दिखाई दे रहा है फिर ये लैंडलॉक्ड कैसे हुई, लेकिन आप देखो कैस्पियन सी अपने आप में क्या है, पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, और कैस्पियन सी सी नहीं है, कैस्पियन सी को क्या बोला जाता है, लेक बोला जाता है। अगर आपको याद हो तो कैस्पियन सी क्या है, एक झील है, क्योंकि ये जो कैस्पियन सी है पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, इसका ओपन एक्सेस नहीं है। तो आप ध्यान रखोगे यहां पर जो पांचों की पांचों सेंट्रल एशिया की कंट्रीज है ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज है, ओपन सी का एक्सेस इनके पास नहीं है। यहां पर RLC भी पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है और कैस्पियन सी भी अपने आप में लैंडलॉक्ड है, और कैस्पियन सी और RLC नाम इनका सी लगा हुआ है लेकिन दोनों क्या है, ये झीलें हैं, ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है आप देखोगे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, उज्बेकिस्तान वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, उज्बेकिस्तान वाला पार्ट डबल लैंडलॉक्ड कंट्री आपका माना जाएगा। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री क्यों, क्योंकि देखो उज्बेकिस्तान खुद लैंडलॉक्ड है, उज्बेकिस्तान जिन जिन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर करता है वो भी क्या है अपने आप में लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है। तो डबल लैंडलॉक्ड का मतलब पहले बात तो मैं खुद लैंडलॉक्ड हूँ और जिनके साथ मैं सीमा बनाता हूँ वो खुद भी क्या है, लैंडलॉक्ड है। तो उज्बेकिस्तान को मैं डबल लैंडलॉक्ड कंट्री यहाँ से बोल सकता हूँ, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में, RLC के बारे में, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, मैंने आपको बताया था RLC काफ़ी ज़्यादा संकुचित हो रहा है, लेकिन RLC अभी तक सूखा नहीं है, ध्यान रखना RLC धीरे धीरे सूखता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा अगर आप 80-90% तक RLC सूख चुका है, ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न है आप देख सकते हो यहाँ पर दो रिवर आपको दिखाई देगी, सरदरिया और अमूरधरिया दिखाई दे रही है, इन दोनों का पानी कहाँ पर जाता था, RLC के अंदर जाता था, लेकिन धीरे धीरे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से इन दोनों का पानी यहाँ तक पहुँचना बंद हो गया है और RLC सूखने की कगार पर पहुँच चुका है, धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन हुआ और अभी प्रेजेंटली ये सूखने की कगार पर पहुँच चुका है। एक और क्वेश्चन UPSC यहाँ से पूछती है, RLC किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है, याद रखने का सिंपल तरीका है UK, कैसे याद रखोगे आप UK, तो ध्यान रखना RLC सिर्फ दो ही सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है। अभी मैंने आपको बताया कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है तो इसके साथ तो बनाएगा ही बनाएगा, तो AK का मतलब क्या हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं लाना कि कजाकिस्तान होगा या किर्गिस्तान होगा, तो आप क्या बोलोगे, कजाकिस्तान होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी कंट्री है, और यू से क्या हो जाएगा आपका, उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी आपका, RLC बॉर्डर बनाता है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों के अंदर, ये बॉर्डर बनाता है पहली चीज़। दूसरा आप देखोगे कैस्पियन सी वाला पार्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैस्पियन सी किन किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है। इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाई थी, आप देख सकते हो AIR, ठीक है, एयर टिकट, जब भी आप एरोप्लेन में यात्रा करते हो तो आपको क्या लेना पड़ता है, टिकट, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, एयर टिकट से, ठीक है। अब देखो, अब एयर टिकट से आपने याद रखा, अब आपको ये देखना है AIR TK से कौन कौन सी कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखो दिस वन इज कैस्पियन सी, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, ए से क्या हो गया आपका, अजरबैजान दिखाई दे रहा है सबको, ए से क्या हो गया, अजरबैजान। दूसरा क्या बोला, आई से क्या हो गया आपका, ईरान, AIR से क्या हो गया आपका, रशिया, ठीक है, एयर हो गया, आपने एरोप्लेन में यात्रा करना स्टार्ट कर दी, अब आपको टिकट वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। टी से क्या हो गया आपका, तुर्कमेनिस्तान,
ठीक है, और के से क्या हो गया, कजाकिस्तान। अब आप बोलोगे सर के से कजाकिस्तान करें या किर्गिस्तान करें, फिर वही लॉजिक, कजाकिस्तान सबसे बड़ा है तो बॉर्डर बनाएगा ही बनाएगा। फिर आप बोलोगे सर टी से क्या करें हम, और टी से तो आपको पता है एक ही कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, कोई कन्फ्यूजन ही आपको नहीं आएगा। तजाकिस्तान का कन्फ्यूजन तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि तजाकिस्तान तो आपका इसी साइड रह गया, तभी मैंने आपको याद करवाया है कैसे, क्लॉक वाइज ऑर्डर के अंदर, ताकि आपको याद रहे लोकेशन कहाँ पर है। ये विजुलाइज करने का तरीका है क्योंकि आप ऑर्डर में याद रखोगे कैसे, के टी टी, ठीक है। और टर्की किस साइड में आएगा, इस साइड में, तो टर्की से आपका तुर्कमेनिस्तान इस साइड में आ जाएगा, तो टी से कौन बॉर्डर करेगा, तुर्कमेनिस्तान। तो ए हो गया, आई हो गया, आर हो गया, टी हो गया और के हो गया, ये पांच कंट्रीज किसके साथ बॉर्डर बनाती है, कैस्पियन सी के साथ। जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी वाला, जहाँ पर मैंने आपको सी दिया था, उनके सामने कंट्रीज दी थी, ईजिली आप इन दो से ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर डेमो दे देता हूँ ताकि आपको इजीली यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप देखोगे केस्पियंसी, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, कजाकिस्तान, सही है या नहीं है, केस्पियंसी कजाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है। अब आप देखो थर्ड ऑप्शन किस में आ रहा है, सिर्फ बी और डी ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है 3 और 4 दोनों में आ रहा है, एक बार अगर आप 1, 3, 4 कॉमन है, अगर आप 2 को चेक कर लेंगे या 5 को चेक कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये तरीके हैं जहाँ से आप काफ़ी इजीली यहाँ पर इनका आंसर कर सकते हो। ये सबको क्लियर हुआ, ठीक है, आरएलसी क्लियर हुआ, केस्पियंसी क्लियर हुआ। आप देखोगे कजाकिस्तान के अंदर एक लेक मिलती है जिसका नाम है लेक बलकाश, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, ध्यान रखेंगे, दिस वन इज़ लेक बलकाश, ठीक है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे जिनसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कजाकिस्तान के बारे में, कजाकिस्तान के साथ भारत ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, कजाकिस्तान के अंदर यूरेनियम बहुतायत से पाया जाता है, तो यूरेनियम का जो परचेज एग्रीमेंट है वो कजाकिस्तान के साथ इंडिया ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के थ्रू यहाँ पर साइन किया हुआ है। कजाकिस्तान के साथ एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी इंडिया की है जिसका नाम है प्रबल दोस्तिया, क्या नाम है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको ध्यान रखना है प्रबल दोस्तियाँ, सब लोग नोट डाउन कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कजाकिस्तान के साथ ये हमारी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और एक और चीज़, इंडिया का अगर सेंट्रल एशिया में बोलूँ तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा हमारा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर यहाँ पर माना जाता है, कजाकिस्तान के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ किर्गिस्तान के बारे में, किर्गिस्तान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे आप याद रखोगे, यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, यहाँ पर तो क्या हो गई, क्योंकि कजाकिस्तान सबसे बड़ा है तो उससे हमें प्रबल दोस्ती बनानी पड़ेगी, ठीक है, तभी हमारा काम चलेगा। अब दूसरा किर्गिस्तान आपको याद रखना है, किर्गिस्तान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किर्गिस्तान से ही इंडिया ने अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की शुरुआत की थी, आप लोगों को पता है इंडिया ने अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग पॉलिसी है, और किर्गिस्तान से ही हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की शुरुआत की थी, इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज चलती है जिसका नाम है खंजर सीरीज मिलिट्री एक्सरसाइज, क्या नाम है, केसरी नाम है उसका, खंजर सीरीज मिलिट्री एक्सरसाइज, वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे ताजिकिस्तान, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंडिया का एकमात्र विदेशी एयरबेस फरकोर वो कहाँ पर है आपका, ताजिकिस्तान के अंदर है, जो क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इंडिया बेसिकली जो ताजिक स्टूडेंट है उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप देखोगे तुर्कमेनिस्तान वाला पार्ट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैस फील्ड्स मिलते हैं, आपको पता है तापी गैस पाइपलाइन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसकी शुरुआत यहीं से होती है, तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया, यहाँ पर गेकुंस नाम से गैस फील्ड है जहाँ से गैस हम कहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं, इंडिया तक, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखोगे उज्बेकिस्तान, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने ताशकंद समझौते के रूप में बता दी थी, उसके अलावा जो हमारे काफ़ी सारे जो कल्चरल एग्जिस्टेंस भी यहाँ पर आपको मिलेगी, जो हमारा अमीर खुसरो वाले जो पार्ट थे वो भी यहीं से इंडिया के अंदर आए थे, उसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम चलता है टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये जो पार्ट है उज्बेकिस्तान वाला, ये मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर माना जाता है किसका, कॉटन वाले पार्ट का, तो ये सारी की सारी यहाँ पर मिनरल्स के पर्सपेक्टिव से भी और बेसिकली इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली भी ये जो रीजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, आपने नाम सुना होगा जो हम बात करने जा रहे हैं, INSTC, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, आई से इंटरनेशनल, एन से नॉर्थ, एस से साउथ, टी से ट्रांसपोर्ट और सी से कॉरिडोर। तो आप देखोगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी इसी रीजन से होकर पास होता है और हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करता है। अदरवाइज देखो, इंडिया से पहले अगर रशिया या सेंट पीटर्सबर्ग तक जाना होता था तो हमें कहाँ से निकलना होता था, जो हमारा ये पार्ट है यहाँ से मेडिटेरियन सी होते हुए, नॉर्थ सी होते हुए, बाल्टिक सी होते हुए कहाँ पर पहुँचते थे, सेंट पीटर्सबर्ग में हम पहुँचते थे, तो हमारा रेड सी वाला पार्ट हो गया।
हमारा मेडिटेरियन, हमारा नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। अब देखो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस हमने कम की है, सीधा का सीधा सेंट पीटर्सबर्ग को हमने कनेक्ट किया है सेंट्रल एशिया वाले रीजन से, एंड देन हमारा ईरान वाला पोर्ट जो हमारा चाबहार पोर्ट है और अफगानिस्तान का जो कुछ पोर्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की दृष्टि से भी सेंट्रल एशिया हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप देख सकते हो, एक मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ, ये एक रोड है मजार ए शरीफ, कहाँ का पार्ट है आपका, अफगानिस्तान का जो पार्ट है। उसके बाद काबुल हो गई, वहाँ की कैपिटल कांधार हो गई, एंड जारांज और डेलाराम, ठीक है, ये एक हाईवे है जारांज डेलाराम हाईवे जो अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाया है ताकि हम किससे कनेक्टिविटी दे पाएं, चाबहार पोर्ट से। और यही जो प्रोजेक्ट है, जो हमारा INSTC प्रोजेक्ट है, उसको फर्दर क्या कर देता है, कनेक्टिविटी दे देता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी महत्वपूर्ण रीजन है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखेंगे ये वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट आज हम देखने वाले हैं, रशिया वाला पार्ट, ठीक है। सेंट्रल एशिया का जो पार्ट था वो मैंने आपको कवर कर दिया है, रशिया वाला पार्ट भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। रशिया सेंट्रल एशिया में नहीं आता है, ठीक है। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, रशिया को हम 1991 से पहले हम क्या बोलते थे, USSR बोला करते थे। आपको पता है 1991 के अंदर USSR का डिसइंटीग्रेशन या विघटन हुआ, उसके बाद क्या बना आपका, रशिया वाला पार्ट बना। तो आप देखोगे जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, ये मैंने इसलिए दोनों को साथ में लिया है ताकि मैं दोनों को लिंक कर सकूं। जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है, पांचों की पांचों हमारे जो तान है, जिसको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान बोलते हैं, ये पांचों के पांचों पहले किसका पार्ट थे, USSR का पार्ट थे। बाद में 1991 के बाद ये क्या बन गए, हमारी सेपरेट कंट्रीज अब बन गए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा का पूरा कजाकिस्तान वाला, ताजिकिस्तान वाला, किर्गिस्तान वाला, तुर्कमेनिस्तान वाला, उज्बेकिस्तान वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट किससे बना है, USSR से बना है। उसके बाद ही रशिया अलग से कंट्री के रूप में यहाँ पर आया है। तो आप देख सकते हो ये सारी की सारी कंट्रीज पहले USSR का पार्ट मानी जाती थी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो रशिया के बारे में हम जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सिटीज, क्योंकि रशिया का मैंने आपको बताया था कुछ पार्ट आपका यूरोप में है एंड कुछ पार्ट आपका एशिया में है, और रशिया का जो ऊपर वाला पार्ट है मोस्टली आर्कटिक सर्कल के अंदर लाई करता है। तो आप देखोगे इसकी जो नदर्न कोस्ट लाइन है वो बेसिकली बर्फ़ से जमी हुई आपको मिलेगी, और काफ़ी कटी फटी कोस्ट लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, काफ़ी सारे सी का एक्सेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कितने सारे सी का एक्सेस मिलेगा, दिस वन इज़ वाइट सी, दिस वन इज़ करा सी, दिस वन इज़ लेप्टेव सी, दिस वन इज़ ईस्ट साइबेरियन सी, और ऊपर आ जाएगा आपका चुकची सी, फिर आ जाएगा आपका बेरिंग सी, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कामचाटका पेनिनसुला जो मैंने आपको डिस्कस किया था। आपको पता हो जब मैंने ईस्ट एशिया वाला पार्ट पढ़ाया था तो आपको सी ऑफ ऑक्सटक के बारे में भी बताया था, साखलिन आइलैंड के बारे में भी बताया था, और कामचाटका पेनिनसुला के बारे में भी बताया था, और कुरिल आइलैंड के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये सब रीजन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार UPSC RPSC ने इन पर क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो अब देखो वन बाय वन हम कुछ चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। पहली चीज़ मॉस्को, कैपिटल सिटी है रशिया की, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है रशिया की। यकेटरिनबर्ग भी आप देखोगे, यकेटरिनबर्ग अगर आपको पता हो ब्रिक्स देशों की पहली समिट 2009 के अंदर कहां पर हुई थी, रशिया की इसी सिटी के अंदर हुई थी, और RPSC के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा भी गया था व्हाट इज यकेटरिनबर्ग समिट। तो ये बेसिकली ब्रिक्स की पहली समिट थी जो रशिया की यकेटरिनबर्ग नामक सिटी में आयोजित की गई थी। और सारे के सारे सीज भी आपको ध्यान रखने हैं, रशिया का जो नदन पार्ट है, ठीक है, और रशिया का आप देखोगे कुछ हिस्सा यूरोप वाले पार्ट के अंदर है, कुछ हिस्सा एशिया वाले पार्ट के अंदर है। आपको मैंने बताया था यूराल माउंटेंस जो कि बेसिकली सीमा बनाते हैं एशिया और यूरोप वाले पार्ट की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है। आप देख सकते हो दिस वन इज यूराल माउंटेन, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर रशिया को अगर अलग अलग पार्ट में हम डिसाइड करें तो देखो ये आपका रशियन प्लेन हो गया, ये किसका पार्ट है आपका, ये यूरोप वाला पार्ट है। फिर आपका यूरल माउंटेन आ जाएगा जो बेसिकली सेपरेट कर रहा है एशिया और यूरोप को। फिर आपका आ जाएगा वेस्ट साइबेरियन प्लेन, फिर आपका आ जाएगा सेंट्रल साइबेरियन प्लेट्यू, ठीक है। तो ये फीचर्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था ऊपर वाला पार्ट, ये चुकची पेनिनसुला है, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट आपका ईस्ट साइबेरियन पेनिनसुला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दिस वन इज़ आपका कामचाटका पेनिनसुला, सी ऑफ ऑक्सटेक को हम रिमेंबर कर चुके हैं ईस्ट एशिया वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद करासी मैंने आपको बताया, लेप्टाओ सी मैंने आपको बताया, तो ये सारे के सारे। दिस वन इज कोला पेनिनसुला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, कुछ कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिवर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, रशिया की बात आती है तो हम ब्लैक सी को भी अछूता नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ब्लैक सी आप देखोगे रशिया वाले पार्ट को किससे जोड़ देता है, आपके यूरोप वाले पार्ट से जोड़ देता है। अब यहाँ पर आप देखो जो भी मैंने आपको सिखाया था, अब देखो कैसे आप याद रखोगे ब्लैक सी को, याद रखने का सिंपल तरीका है रब तुसी ग्रेट, ठीक है। आर से क्या हो गया आपका, रशिया वाला पार्ट, दिस वन इज रशिया। यू से क्या हो गया आपका, यूक्रेन वाला पार्ट, दिस वन इज पार्ट। बी से क्या हो गया आपका, बुल्गारिया वाला पार्ट, दिस वन इज बुल्गारिया। फिर आ जाओ टी,
टी से, टी और सी, टी से क्या हो गया आपका टर्की वाला पार्ट, ठीक है, सी से क्या हो गया आपका क्रीमिया वाला पार्ट, क्रीमिया वाला पार्ट बेसिकली रशिया का ही पार्ट है, बट आप अलग से याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद जी, जी से आप क्या रख सकते हैं आप यहाँ पर देखो, जी और आर, ठीक है। अब आपका कौन सा पार्ट बचा है यहाँ से, आर से हो गया आपका रोमानिया वाला पार्ट, ठीक है, ठीक है, ये याद हो गया सबको, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो पार्ट बचेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर थोड़ा सा जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, टर्की वाला, दो टर्की के भी दो पार्ट जाते हैं, टर्की का एक पार्ट आपका एशिया के अंदर है और एक कुछ पार्ट इसका यूरोप के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दो आर हो गए आपके, एक आर से रोमानिया और एक आर से रशिया, यू से यूक्रेन, बी से बुल्गारिया, टी से टर्की, सी से क्रीमिया हो गया और जी से क्या हो गया आपका जियोर्जिया वाला पार्ट, ठीक है। तो ये सारा का सारा पार्ट है जो ब्लैक सी से बॉर्डर बनाता है, आप इजीली इसको रिमेंबर यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्लैक सी वाला पार्ट भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो इससे आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ब्लैक सी के सामने क्रोएशिया लिखा हुआ था, तो ब्लैक सी क्रोएशिया के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और रिवर्स अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आप देखोगे वोल्गा रिवर। तो वोल्गा रिवर की खासियत है कि ये कहाँ पर जाकर गिरती है, कैस्पियन सी के अंदर। उसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट रिवर है, चाहे ओब हो, चाहे येनिसी हो, चाहे लीना हो, सब कहाँ पर जाएगी, ऊपर वाले आर्कटिक ओशन वाले पार्ट के अंदर। तो आप याद रख सकते हो वोल्गा रिवर रशिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, कहाँ पर जाकर गिरती है, कैस्पियन सी के अंदर। उसके अलावा जो ओब है, येनिसी है, लीना है, सब कहाँ पर जाएगी, ऊपर वाले आर्कटिक ओशन वाले पार्ट के अंदर ये जाकर गिरेगी, ठीक है। तो अब ये भी आप यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हो रशिया के बारे में ये फीचर भी। और रशिया के बारे में अगर मैं इसको करंट से टच करूं तो रशिया का जो साइबेरिया वाला रीजन है उसके लिए इंडिया ने एक नई पॉलिसी है जिसको हम नाम देते हैं फार ईस्ट एशिया पॉलिसी। क्या बोलेंगे इसको, ईस्ट एशिया पॉलिसी का नाम तो आपने सुना होगा, एक हम बात कर रहे हैं फार ईस्ट एशिया पॉलिसी, ठीक है। ईस्ट एशिया पॉलिसी तो हमारे ईस्ट एशिया के लिए है, फार ईस्ट एशिया पॉलिसी रशिया के उस रीजन के लिए है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बट वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, चाहे नेचुरल गैस का हो, और आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर विजिट भी किया था और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी हमने रशिया के उस फार ईस्ट रीजन में हमने किया है ताकि हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की सप्लाई को हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकें, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक जो हमने पार्ट पढ़ा है, चाहे हमने साउथ ईस्ट एशिया कवर किया हो, चाहे हमने ईस्ट एशिया कवर किया हो, चाहे हमने सेंट्रल एशिया कवर किया हो, रशिया वाला पार्ट कवर किया हो, तो हम ये वाले सारे पार्ट अभी तक हमारी एशिया की मैपिंग में कवर कर चुके हैं। फर्दर अब हम नेक्स्ट सीरीज़ में वेस्ट एशिया की मैपिंग पर हम बात करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट।